ओ तव कथात तप्त जीवन कविभिड़ीत कलमशाप श्रवणमंगल श्रीमदात भुवि गृणति ये भुरीदा जना भगवान श्री रामकृष्ण मास्टर मशाई के साथ काली मंदिर में गमन किए थे सुबह अपने कमरे में लौटने के बाद भावा तो होकर भजन कर रहे हैं एक के बाद एक पांच भजन प्रस्तुत किया और प्रत्येक भजन गंभीर अर्थवह है प्रथम संगीत श्री राम प्रसाद सेन के हैं सिद्ध साधक है इसके लिपि इसके वाणी सांकेतिक होता है और इसके पीछे इनके साधन का उपलब्धि भी निहित रहता है पढ़ के नहीं गाया पढ़ के नहीं लिखा अनुभूति के आधार पर ये सब संगीत रचित हुआ था गीत हुआ था एवं इतने दिन तक साधकों के अनुभूति से संमिश्रित है प्रथम संगीत में इस प्रकार का है के जाने काली कैम बांग्ला भाषा में है शोड़ो दौर्शन है नापाय दौर्शन ये संगीत पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर में जब ठाकुर गए थे उनको भी गान सुनाया था काली जो जगन माता है उनको कौन जान सकता है क्षण दर्शन में उनका दर्शन नहीं मिलता है तो कैसे उसको प्राप्त किया जाता है मूलाधारे सहोसारे सौदाजोगी कौरे गली मने होंग शोषाने हों रूपे करे रमन पहले बताया कि ये बुद्धि के पारे है गॉड नॉट बी नोन इट कैन बी रियलाइज हमारा जो जानने का इंस्ट्रूमेंट है साधन है वह है मन बुद्धि लेकिन वो मन बुद्धि का पार्य है नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत आरती के भजन में हम लोग गाते हैं और उपनिषद में भी कहा गया है जतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वाणी मन बुद्धि की अगोचर है शुद्ध बुद्धि की गोचर इसलिए कहा जाता है अवांग मानस गोचरम बाक एवं मन के गोचर भी तो नहीं हो सकता है तो शास्त्र में जो हम लोग का विधान है शर दर्शन कहा गया है सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोजफी हम जानते हैं कि दो प्रकार का दर्शन होता है आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन यानी जो फिलॉसफी में जो मतवाद में वेद को माना जाता है वैदिक दर्शन और उसमें ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं देर इज ए गॉड इन दिस यूनिवर्स द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग ये आस्तिक दर्शन तीन में से छह प्रकार का मतवाद है वो तीन जोड़ियां हैं थ्री पेयर्स उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा यानी इसको मीमांसक कहते हैं जो वेद का कर्मकांड में विश्वासी है जाग यज्ञ मंत्र उपचार इस माध्यम से परमात्मा को जान पाना उपलब्धि करना ये भी एक पथ है लेकिन कहा गया है कलयुग में वैदिक कर्मकांड करना मुश्किल है इस विकम ऑब्सोलिट इसके साथ है उत्तर मीमांसा यानी वेदों का जो अंत वेदांत जिसको कहलाता है तो वेदांत का जो दर्शन है उपनिषद आदि उसमें भी नाना प्रकार का मतवाद है अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद द्वैतवाद आदि एक दर्शन हो गया सेट पेयर दूसरा है सांख्य जोग जो महर्षि कपिल प्रणीत है जो संख्या के ऊपर आधारित है चौबीस तत्व पुरुष प्रकृति का विभेद और यह जोग अष्टांग जोग मार्ग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एक के बाद एक पार करके ईश्वर को उपलब्धि करना और नए विचार पर आधारित है वैशेषिक भी वैसे नाना प्रकार का विचार है तो ये दर्शन में ये दर्शन का दो अर्थ होता है एक है देखना और एक है कि छः प्रकार के दर्शन में भगवान को दर्शन नहीं किया जाता है योर नॉलेज हैज़ ए लिमिट इट नॉट एंटर इन द डोमेन तो इसमें तो जोगीगण क्या करते हैं दे डू नॉट गो फॉर दिस एकेडमिक परसुट द गो फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड विद इन द रोन सिस्टम हमारे शरीर के भीतर जो चक्र आदि है उसमें मन को एकाग्र करते हैं तो पहले बताया षट चक्रभेद है ये कहता है मूलाधार एहस्ारे द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी इज एट मूलाधार And ending at sastrad at the top of the brain. So all our energy is coiled up at the base of our spinal cord. हमारे medical science, neurological science अभी तक इसको आविष्कार नहीं कर पाया कि हमारे रीढ़ का हड्डी के नीचे एक ऊर्जा का स्रोत सुप्त है तब तो वहाँ से जब मन एकाग्र होता है वी कॉन्सेंट्रेट अवर माइंड देन ग्रेजुअली इट बिकम्स अवेकेंट उसमें सचेतनता आ जाता है तो वहाँ से जो सुप्त शक्ति है वो जागरित होकर ऊर्धमुखी होते हैं और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेशन इज स्वादिष्ठान तो आगे बढ़ते हुए तो जब कंठ में आ जाते हैं वो है अनाहत चक्र नाभि में मणिपुर है फिर अनाहत चक्र फिर जब कंठ में आते हैं वो विशुद्ध चक्र है और जब भ्रू मध्य आते हैं तो आज्ञा चक्र है ऑल दिस आर इन दी स्पाइनल कॉर्ड लोकेशन देखने के लिए ये सब हृदय कंठ आदि बताया और अल्टीमेटली इट गोज टू टॉप ऑफ द ब्रेन सरार तो गन अपने शरीर के भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति सुप्त है नीत है वो ध्यान मनन करते हुए उसको जागृत कर देते हैं और वो काली का मन में जान लेते हैं पढ़ाई से नहीं प्रार्थना करते हुए अनुभूति के माध्यम से और बताया काली पद्म बने होंशने होंशी रूपे कोरेराम दो एक कमल का बन बन मतलब अरण्य बगीचा तो हमारे शरीर के भीतर जो विभिन्न चक्र है वहाँ पर एक एक किस्म का कमल पद्मा लोटस एक एक प्लुमेज का एक एक रंग का वर्ण का नाना प्रकार का पेटल्स का विराजमान है और काली अर्थात हमारे भीतर जो शक्ति है वो शक्ति का स्रोत के साथ वो मिल लेते हैं एक संगीत में है मधुरो मधुरो बाजे हृदयो कमलो बनो माझे वहाँ पर संगीत है और वो कमल वन में गीत हो रहा है कहाँ है हृदयो कमलो बन माझे हमारा जो हृदय है हृदय के भीतर सूक्ष्म रूप में विराजमान है आत्मा रामेर आत्मा काली प्रमाण प्रणबेर मतन काली घटे घटे विराज करें इच्छा इच्छा जैन ये आत्माराम जो परम पुरुष है उनका जो शक्ति है काली घटे घटे मतलब हर इंसान के भीतर विराजिता है और उसका प्रमाण है प्रणब मतलब ओंकार जैसे ओंकार का शब्द वो अनाहत ध्वनि है बिनो दोर्स ऑफ साउंड इज बाई स्ट्राइकिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स तभी ना साउंड होगा या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो साउंड कैसे होगा तो देखा गया व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये सब को एक सोर्स से हर एक एनर्जी से हर एक परिवर्तित होता है दिस कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अदर तो अल्टीमेटली क्या था वो कहा जाता है शब्द शक्ति साउंड साउंड एनर्जी दैट इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन और वो क्या है प्रणब ओंकार ओंकार ध्वनि स्वतः है किसी के माध्यम से नहीं हुआ इसीलिए कहा जाता है अन आहत इट इज द सोर्स इन बाइबल में कहा गया है इन द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग इट वाज द वर्ड द वर्ड वाज विद गॉड द वर्ड वाज गॉड उनसे शुरुआत हो गया So, सो ऐसे ही काली सतत प्रणदित है किसी का क्रिएशन नहीं है और वो प्रत्येक जीव के भीतर विराजमान भी है विदाउट एक्सेप्शन विद इन एवरी वन ऑफ अस दैट स्पिरिचुअल एनर्जी इज प्रेजेंट ऑल द टाइम इट वॉज इट इज एंड इट विल रिमेन हमारे जीवन का लक्ष्य है वो शक्ति को जानना और वो शक्ति का जो माधुर्य उसको आस्वादन करना ये संगीत की परवर्ती अंश एवं जो बाकी जो चार संगीत गाया उसका सारांश हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम श्री राम मस्तु अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार